हेलो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग टारगेट तीस में से तीस अभियान को आगे बढ़ाते हैं हम लोग ट्रैंगल्स यानी कि त्रिभुज और वर्ग यानी कि स्क्वायर इनको लेकर के हमने ऑलरेडी चार सेशन बनाए हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप चारों सेशंस को देखिए मजा आएगा आपको आपको ऐसी ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी कॉन्सेप्ट के साथ जो आप सोच भी नहीं सकते और मुझे लगता है उससे ऊपर एग्जामिनर आपसे पूछने वाला नहीं है मैं जानता हूं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं किया तो तुरंत करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको मोटिवेट करें चलिए आगे बढ़ाते हम इस काम को देखो अभी मैं काउंटिंग फिगर की बात करूं तो हमने ट्रेंगल्स को डिस्कस कर लिया है हमने वर्ग को डिस्कस कर लिया है और अब हम बात कर रहे हैं मेन फिगर हमारा रेक्टेंगल यानी कि आयत जरा देखिए रूल नंबर ग्यारह मैंने इस चैप्टर में बहुत सारे नियम बना रखे हैं जो दस नियम मैं आपसे पहले करवा चुका हूं वो ट्रेंगल्स और वर्ग के नियम है सारे चैप्टर में वन टू थ्री चल रहा है आप उनको देखिए तो आपको रूल्स मालूम चलेंगे ये देखो क्या लिखा हुआ है सभी वर्ग भी आयत ही होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते all squares are rectangles, but all rectangles are not आपको ये समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा एक वर्ग की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो मेन प्रॉपर्टी क्या है चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए होनी चाहिए कि नहीं इसकी पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जबकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है आमने सामने वाली जो साइड्स हैं, वो बराबर होनी चाहिए आप मुझे एक बात बताइए क्या वर्ग की जब चारों साइड्स बराबर हैं, तो क्या आमने सामने वाली साइड्स बराबर नहीं हुई क्या हुई ना इसका अर्थ क्या हुआ हर वर्ग आयत भी है लेकिन हर आयत वर्ग हो ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल नहीं है तो आप ध्यान दीजिएगा जब 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 हम रेक्टेंगल की काउंटिंग करेंगे तो रेक्टेंगल की काउंटिंग करते वक्त हम वर्ग की काउंटिंग को भी उसमें शामिल करेंगे लेकिन आप देखिए जरा मैंने एक शब्द का यूज किया है आयत और केवल आयत वैसे कहने वाली बात है ये, बाकी ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना आपको आप में कभी कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बोला है आयत और केवल आयत में क्या फर्क है अगर मैं बात करूं केवल आयत का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो रेक्टेंगल है ना वो केवल रेक्टेंगल ही है है भाई वो वो जो रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है वो स्क्वायर क्यों नहीं है क्योंकि तो ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो तो फिर वो वर्ग नहीं हो सकता है कि नहीं तो आपको तो अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको तो सिर्फ ये देखना है कि जब हम देखो वर्ग की सारी बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूं पिछले सेशन में आप उसको देख लीजिए शानदार सेशन है सारे स्क्वायर्स कंप्लीट है उसके पहले वाले जो सेशन है उसमें हम ट्रेंगल्स की बात कर चुके हैं यहां मैं बात कर रहा हूं आपसे केवल और केवल रेक्टेंगल की जरा देखना एक बार बोर्ड पर ये बेसिक फिगर है अगर आपने वर्ग सीखा तो वहां मैंने आपको सिखाया था क्या सिखाया था कि ऐसे फिगर को मैं कहता हूं प्लस बनना क्या कहना हो प्लस बनना और मैंने आपको बताया था कि जब कभी प्लस बनता है क्या बनता है बताइए प्लस तो पहले एक बार जरा मैं आपको बताता हूं पुरानी बातें इस प्लस बनने में कितने वर्ग बनते हैं ये प्लस बनाने में पांच वर्ग बनते हैं केवल एक केवल दो केवल तीन और केवल चार और इन चारों को मिलाकर एक तो कितने वर्ग हो गए साहब पांच हो गए मैंने वर्ग की बात की तो जरा ध्यान दीजिएगा यहां मैं अगर इसका एक्सप्लेनेशन दू तो जो वर्ग है वर्ग मतलब क्या बताइए स्क्वायर तो स्क्वायर की बात करें तो वो कितने दिख रहे हैं आपको पांच ध्यान दीजिएगा और अब आगे ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं आयत आयत अब ये जो वर्ग है ना ये जो वर्ग है जो पांच बनेंगे जो हमने पिछले सेशन में सीखा ये जो पांच है ये भी आयत है लेकिन मैं अब सिर्फ यहां बात कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा आयत के पहले मैं ब्रैकेट में केवल शब्द यूज कर लेता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से सिखा सकूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं जरा देखिएगा इस जगह पर अगर मैं आपको इस फिगर में दिखाऊं तो ये एक दो तीन चार तो आपको दिखी रहे हैं। आप नंबरिंग डाल देते हैं एक दो तीन चार और ये पांचवा बिल्कुल दिख रहा है आपको, और मैं यहां अगर आपसे बात करूं कि सपोज अपन यहां पर कुछ ऐसा लेकर चले कैसा लेकर चले यहां पर इस एक और दो को मिला देता हूं मैं किसको मिलाता हूं एक और दो को सिर्फ एक और दो को मिला देता हूं तो क्या ये आपको क्या ये आपको वर्ग नजर आ रहा है हरगिज नहीं ये क्या नजर आ रहा है आपको आयत नजर आ रहा है अच्छा क्या मैं अगर इस तीन और चार को मिला दू तो क्या ये तीन और चार आपको वर्ग नजर आ रहा है हरगिज नहीं ये आयत नजर आ रहा है अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि कि सपोज मैं आपको यहां एक और तीन को मिला दू किसको मिला दू एक और तीन को तो ये क्या नजर आ रहा है क्या ये वर्ग नजर आ रहा है बिल्कुल नहीं आयत और ये भी आपको क्या नजर आ रहा है आयत तो ये कितने नजर आए चार और मिलाकर कितने हो गए नो no. आप जरा देखो मैंने क्या लिखा है आपको समझाने के लिए जो वर्ग हैं वो आयत भी हैं यानी जो ऊपर वाले पांच वर्ग हैं वो आयत भी माने जाएंगे लेकिन जो आयत हैं वो वर्ग नहीं माने जाएंगे लेकिन हम अभी क्या काउंटिंग कर रहे हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस आकृति में कितने आयत हैं तो आपको कुछ नहीं करना आयत जो है सिर्फ आयत वो भी आएंगे और जो वर्ग है वो भी आएंगे और संख्या कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी नो no. लेकिन ये मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आपसे कभी कोई वैसे ही बात कर ले कि कुछ ऐसी फिगर्स बताओ लेट आर ओनली रेक्टेंगल इट डज मीन कि वो रेक्टेंगल तो है बट स्क्वायर नहीं है तो आपको याद रखना है वो संख्या कितनी बनेगी चार बनेगी अब मैं आता हूं इसके सूत्र पर हम ऐसे नहीं कर पाएंगे जैसे मैं आपसे कह रहा हूं अब सूत्र क्या होगा जरा देखिए इसमें दो तरह के फिगर्स मिल सकते हैं हमारे को एक तो सिमेट्रिक फिगर मिल सकते हैं और एक नॉन सिमेट्रिक फिगर मिल सकते हैं सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक की मैंने ढेरों आपसे बातें की ट्रेंगल के टाइम ढेरों बातें की हमने स्क्वायर के टाइम तो आप वो सेशंस अटेंड कर लीजिए आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी क्या है यहां पर दो चीजें रो और कॉलम क्या बोला मैंने आपको रो और कॉलम अगर रो और कॉलम बराबर हो अगर रो और कॉलम बराबर हो जितनी रो उतनी कॉलम रो का मतलब क्या ये पंक्तियां हॉरिजेंटल और कॉलम का मतलब क्या है ये क्या बोलते हैं इसको वर्टिकल क्या बोलते हैं वर्टिकल और मैं बात करूं आपको अगर ये पंक्ति और हमारा मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल हमारा रो और कॉलम अगर ये दोनों बराबर बराबर हो चाहे दोनों अलग अलग हो आप वर्ग में याद करो मैंने आपको दोनों में अलग अलग बताया था जब मैंने कहा दोनों समान थे तो हमने क्या किया था वर्ग में अगर चार ब्लॉक है चार बाई चार तो वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर यानी कि तीस बनते थे और अगर इधर छह और इधर पांच है तो आपको मैंने मल्टीप्लाई करने बताया था छह मल्टीप्लाई पांच उधर पांच चार चार तीन और इनको कैसे कर रहा है वो सारा आप देख सकते हैं सेशन में यहां एक ही तरीका है चाहे सिमिट्रिक हो चाहे क्या तरीका है देखो जरा अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे इसकी नंबरिंग डालता हूं दोबारा से एक और दो आप सिर्फ रो को लीजिए आप इसका जरा मुझे टोटल करके दिखाइए कितना हुआ नो आप लीजिए कॉलम को एक और दो आप टोटल करके दिखाइए कितना हुआ तीन एक प्लस दो कितना है तीन और यहां एक प्लस दो कितना है तीन क्या आपको तीन दिख रहा है यस और नो शायद मेरे से टोटल गलत निकल गया था एक और दो कितना है तीन और यहां एक और दो कितना है तीन अगर मैं बात करूं आपको सिर्फ क्या करना है आपको एक ही काम करना है अगर ऐसे फिगर्स मिलते हैं तो रेक्टेंगल के लिए रो रो का काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव कॉलम का काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव और जितना टोटल आया इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा तो मैं बात करूं आपको तीन को किससे मल्टीप्लाई करना है तीन से और आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं नो जो हम पहले भी सीख चुके हैं उम्मीद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो यहां पर कुल मिलाकर के अगर ये प्लस जैसा दिखता है तो आपको इसमें वर्ग कितने दिखते हैं पांच ये हम पहले भी सीख चुके हैं और अगर मैं यहां बात करूं केवल आयत तो कितने मिलते हैं चार लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि वर्ग भी तो एक आयत ही होता है तो पांच मुझे चार में जोड़ने चाहिए तो बनेगा नो फिगर नंबर पे आइए, सारे सारे के लोग ध्यान दीजिएगा देखिए, मैं काउंटिंग करता हूं एक दो तीन चार और इन सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा दस फिर मैं बोलूंगा एक दो तीन चार और इन सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा दस चार प्लस तीन प्लस दो प्लस एक दस अब आपको मैंने क्या कहा था ये नॉन सिमेट्रिक भी हो सकता था इधर सात और इधर पांच भी हो सकता था आपको क्या करना है सिर्फ प्लस करते जाना है तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार दस हो गया एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार दस हो गया अब सिर्फ क्या करना है आपको जितनी रो है जितनी क्या है रो है उसका जो टोटल आया और जो कॉलम है जो कॉलम है उसका जो टोटल आया उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आ जाए उतनी ही संख्या होगी किनकी आयत की कि यहां पर कुल मिलाकर के सौ रेक्टेंगल बनते हैं अब हम बनाने की कोशिश करेंगे तो पिछली बार तो आसानी से बना पा रहे थे अब यहां बनाएंगे तो आप ये समझते हो ना कितना मुश्किल काम है इसको बनाना एक एक को बनाना पहले सिंगल सिंगल फिर डबल डबल ट्रिपल और बहुत मुश्किल तो ये बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बना तो सकते हैं बट इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम और ये समझदारी भी नहीं है जरा अगले प्रश्न पे आइएगा यहां पर मैंने कहा रो एक दो तीन चार पांच इनका टोटल कीजिएगा क्या क्या ये ये टोटल टोटल आ रहा है जरा देखो तो क्या ये टोटल आ रहा है? एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच इनका औसत दिखता है तीन तो इनका पांचों का टोटल होना चाहिए तीन मल्टीप्लाई पांच मतलब पंद्रह और नहीं तो करके देखो इन पांचों को तो पंद्रह मिलेगा एक दो तीन और चार क्या इनका टोटल दस आ रहा है जरा देखिए तो तो मैंने अभी आपको क्या बोला था मैंने बोला था रो का जो टोटल मैंने आपको करवाया और जो कॉलम है इसका मैं बात करूं इस रो को हम क्या बोलते हैं पंक्ति रो को क्या बोलते हैं हम पंक्ति और इस कॉलम को क्या बोलते हैं हम स्तंभ है कि नहीं तो आप सिंपल समझ लीजिए रो का मतलब क्या है हॉरिजेंटल है ना हॉरिजेंटल और कॉलम का मतलब क्या है वर्टिकल इन दोनों तो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे रो का टोटल क्या दिख रहा है आपको पंद्रह और कॉलम का टोटल क्या दिख रहा है आपको सिंगल दस जब आप पंद्रह को दस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या उत्तर प्राप्त करेंगे एक सौ पचास तो यहां पर एक सौ पचास क्या आ रहे हैं क्या आ रहे हैं एक सौ पचास एक सौ पचास वर्ग आ रहे हैं कि आयत आ रहे हैं इस सेशन में हम पढ़ रहे हैं सिर्फ आयत के बारे में हमने पिछले सेशन में बात की थी सिर्फ वर्ग के बारे में तो एक सौ पचास क्या आ रहे हैं बताइए एक सौ पचास आपके पास आ रहे हैं क्या आयत क्या मेरी बात आप समझ पा रहे आपको अगर याद हो इफ यू रिमेंबर हालांकि मैं सबसे बड़े को उठाना पांच और चार आपको ध्यान है पुराना सेशन मैंने कहा था पांच को चार से मल्टीप्लाई करना और पांच को चार से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बताओ बीस फिर मैंने कहा था एक कम करना और यहां भी एक कम करना कितना आएगा बारह फिर मैंने कहा था एक और कम करना तो फिर ये कितना आएगा बताइए मैंने कहा था फिर एक और कम करना और जब आखिरी में एक आ जाए तो छोड़ देना तो ये ऐसा आएगा 32, 34, ये कितना होता है बताइए अब आप देखिए मैंने क्यों लिया इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्योंकि अगर इसी फिगर में वो वर्ग निकलवाने की बात करेगा वर्ग इसी के अंदर तो वर्ग कितने बनेंगे बताइए चालीस क्योंकि सबसे बड़ा पांच सबसे यहां पर बड़ा चार पांच मल्टीप्लाय चार बीस एक कम किया एक कम किया तो बारह कम किया एक कम किया तो एक कम किया और एक कम किया तो दो आगे एक और कम करूंगा तो जीरो आ जाएगा तो सेंस नहीं है और इन सबको जोड़े तो कितना बनता है यानी कि रेक्टेंगल रेक्टेंगल सिर्फ रेक्टेंगल, सुनो ध्यान से अटेंशन दो कल को कोई इसमें सवाल पूछ ले आपसे कि ऐसी इसीलिए कि, तो मैंने बनाया आपको सिखाने के लिए कुछ नई बात ये क्या है 150 ये आयत है आयत और इनमें क्या शामिल है वर्ग भी शामिल है और ये क्या लिखा मैंने केवल वर्ग ये सिर्फ क्या है बताइए स्क्वायर है ये रेक्टेंगल नहीं है तो 150 माइनस अगर मैं 40 करूंगा तो 110 क्या मिलेगा मेरे को 110 मिलेगा जो केवल रेक्टेंगल है अब आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि केवल रेक्टेंगल है और यहां पर मेरे से रेक्टेंगल पूछा जा रहा है तो रेक्टेंगल में तो काउंट करूंगा उनको लेकिन वो वर्ग नहीं है आप सोचो संख्या किसकी बड़ी होती है वर्ग की आयत की आयत की बड़ी होती है क्यों बड़ी होती है देखो आयत तो निकल गई इसी संख्या में डेढ़ वर्ग निकले इसमें चालीस क्योंकि वर्ग के लिए तो क्या होगा आपको चारों दिशा चारों साइड बराबर चाहिए और हर वर्ग आयत होता है तो वर्ग तो बोलता है मैं भी आयत हूं बट आयत बोलता है मैं वर्ग हूं या नहीं हूं क्योंकि हो भी सकता हूं नहीं भी हो सकता हूं सिर्फ आयत होना अलग बात है और आयत होना अलग बात है चलिए जरा ये लाइन देखिएगा छोटी सी लाइन है अभी आपको जो सिखाई वो मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने आपसे क्या कहा था किसको मल्टीप्लाई करते हैं रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से पंक्ति को मल्टीप्लाई करते हैं स्तंभ से टोटल करके एक दो तीन चार पांच का टोटल क्या आएगा बताइए पंद्रह अगर मैं इस तरफ टोटल करूं तो क्या दिख रहा है बताओ एक और क्योंकि ये तो साइड में एक दो तीन चार से तो करते हम और पंद्रह को एक से मल्टीप्लाई करने पर पंद्रह को एक से मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ क्या आता है बताइए पंद्रह ही तो आता है तो ये जो आपको एक लाइन दिख रही है उस लाइन के अंदर आपको कितने 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 आयत नजर आते हैं वो नजर आएंगे पंद्रह देर विल बी फिफ्टीन रेक्टेंगल्स इन दिस पर्टिकुलर फिगर आई होप यू गेट द सेम आगे बढ़े हम लोग जरा ध्यान दीजिएगा एक छोटी सी लाइन और मैंने बनाई है उसी लाइन में दो लाइनें जोड़कर तो देखिए ये ऊपर वाली लाइन आपको कैसी दिख रही है रो जैसी होरिजेंटल ये नीचे वाली कैसी दिख रही है रो जैसी होरिजेंटल लेकिन ये बीच वाली कैसी दिख रही है ये आपको सीधी दिख रही है कॉलम जैसी यानी कि वर्टिकल आप देखिए एक बार आप ये ऐसा कीजिए तीनों जो लाइंस नजर आती है इन तीनों लाइंस को अलग अलग सॉल्व कीजिए एक बार मेरे कहने से देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एक दो तीन चार और पांच और इसका टोटल कीजिएगा दस अगर मैं इस पार्ट को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा सिर्फ इस पार्ट को अगर मैं जहां पर मैंने हाईलाइट किया तो हमने अभी इससे पिछली प्रश्न में भी इसको सॉल्व किया था तो ये पंद्रह आयत निकलते थे तो ये तो हो गए साहब पंद्रह अच्छा अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए कि मैं इस वाले पार्ट को हाईलाइट करता हूं नीचे वाले को काउंटिंग कर दें एक दो तीन चार और पांच और मैंने इसको बिल्कुल ऐसे के ऐसे हाईलाइट कर दिया तो अब मुझे एक बात बताइए ये वाले पंद्रह सॉरी दस लिख दिया मैंने गलती से मैं बोल तो पंद्रह ही रहू क्योंकि एक दो तीन चार पांच इनका टोटल कितना आता है पंद्रह और ये जो एक दो तीन चार पांच इनका टोटल भी कितना आता है पंद्रह अब सिर्फ और सिर्फ इस ब्लू कलर का जो टोटल देखूंगा आयत तो पंद्रह बनेंगे सिर्फ इस रेड कलर का देखूंगा टोटल तो पंद्रह बनेंगे अब सुनो अब इसके अंदर अगर, अगर अपन बात करें तो अपन एक कलर और लेकर आते हैं और वो लेंगे येलो कलर आप सावधानी बरतिएगा आप इसको अधूरा नहीं ले सकते इसको पूरा लेना पड़ेगा क्यों लेना पड़ेगा ध्यान से सुना मैं जो कह रहा हूं कुछ बच्चे यहां पर बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं वो क्या करते है? वो कहते हैं सर इसको तो छोड़ दो और इसको छोड़ दो अब तो ये तीन ही बचे अच्छा चलो एक बात बताओ ये एक दो तीन लोग लेकिन इसको क्यों छोड़ दूं साहब जब ये चार और पांच मिलेंगे तो आयत बनाएंगे और ऐसे अगर मैं यहां पर नंबरिंग डालू कुछ कुछ नंबरिंग डाल दू जैसे मैं नंबरिंग डाल देता हूं मान लीजिए कि ये एक दो तीन चार पांच है मैं तो छह सात आठ डाल देता हूं देखो छे सात आठ यूनिक तो आप बताओ मैं इसको क्यों छोड़ू क्योंकि चार और पांच मिलकर एक आयत बनते हैं और पांच और छह मिलकर भी तो एक आयत बनते हैं इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते आपको क्या करना पड़ेगा इस पूरी कॉलम को लेना पड़ेगा पूरे को लेना पड़ेगा बिल्कुल इस तरह से लेना पड़ेगा और यहां पर भी ये मैंने नंबरिंग छह सात आठ आपको दिखाने के लिए लिखी है वरना है तो एक दो तीन चार पांच ही और एक दो तीन चार पांच है तो यहां पर भी कितने आयत बनेंगे पंद्रह अब जरा देखो क्या हुआ साहब पहली रो ने पंद्रह बनाए उस आखिरी रो ने भी पंद्रह बनाए और इस कॉलम ने भी पंद्रह बनाए क्या पैतालीस उत्तर है जरा देखिए मैंने दो कम कर दिया और कहा सही उत्तर है क्यों तिहालीस है साहब क्योंकि जब ये पांच चार से मिलता है तो चार पांच मिलकर आयत बनाते हैं वो अलग है और पांच और छह मिलकर आयत बनाते हैं वो अलग है लेकिन जब इस एक दो तीन चार पांच से हमने आयत बनाए होंगे तो अकेला एक वाला भी काउंट किया होगा अकेला दो वाला भी किया होगा अकेला तीन वाला अकेला चार वाला और अकेला पांच वाला भी काउंट किया होगा और जब हमने इन पांचों से बनाए तो भी अकेला पांच वाला काउंट किया होगा इसका मतलब जब मैंने दो बनाए चार और पांच तब तो ये अलग है चार और पांच अलग है और पांच और छह अलग है तो जब पांच चार से मिलता है तो आयत अलग बनता है और पांच जब छे से मिलता है तो आयत अलग बनता है यानी अभी चार और पांच और पांच और छे में कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन जब इस पंक्ति में केवल पांच आयत बनाता है और जब इस कॉलम में केवल पांच आयत बनाता है तो ये पांच एक ही तो है जो दो बार काउंट हो जाता है और एक चीज दो बार काउंट आप नहीं कर सकते तो जो दो बार काउंट हो गई उसे एक बार आपको घटाना चाहिए इसी तरह से यहां मैं बात करूं तो जब ये एक आठ से मिलता है तो आयत बनाता है वो आयत अलग है और जब ये एक दो से मिलता है तो आयत बनाता है ये आयत अलग है लेकिन जब ये इस कॉलम में देखता हूं तो एक अकेला भी आयत बनता है और इस रो में देखता हूं तो एक अकेला भी आयत बनता है तो मैं आपसे बात करूं यहां पर जो कॉमन आपको नजर आ रहा है वो कॉमन आपको क्या करना चाहिए हटाना चाहिए मैं ग्रीन कलर से आपको दिखा देता हूं कि कॉमन पार्ट कौन सा है यहां तो ये यह वाला कॉमन है और यहां ये यह वाला कॉमन है तो मैं बात करूंगा इसीलिए मैंने दो यहां से घटा दिए तो ये पंक्ति मुझे पंद्रह दिखाती है यह पंक्ति भी मुझे पंद्रह दिखाती है ये कॉलम भी मुझे पंद्रह दिखाता है लेकिन असल में पंद्रह 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 पैतालीस नहीं बनाएंगे दो इसमें से घटाने होंगे कौन से दो जो दो कॉमन है चलिए आगे बात करते हैं अगला जो फिगर है उस पर ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं बात करूं आपसे तो कॉलम तो, तो मुझे कुछ तो दिख ही नहीं रहा कॉलम तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा यहां तो सिर्फ पंक्तियां दिख रही है मैं इन पंक्तियों को नंबर देना चाहूंगा ये पहली पंक्ति है ये दूसरी पंक्ति है और यह तीसरी पंक्ति है और आपको सिखाने के लिए मैं इसको तोड़ देता हूं जरा ध्यान दीजिए अगर मैं इसको तोड़ देता हूं तो ऊपर वाले पार्ट को देखिएगा एक दो तीन और चार और अभी हम क्या सीख रहे हैं कि हम जब ऐसा करते हैं तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार मिला करके ये पहली पंक्ति हमें कितने आयत देती है बताइए दस ये जो पहली पंक्ति है एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार मिलाकर हमें कितने आयत देती है दस आयत देती है और जो दूसरी पंक्ति है एक दो और तीन ये मैं मिलाकर बात करूं तो ये कितने देती है बताइए 6 देती है और मैं इसकी बात करूं एक दो तीन चार तो ये मिलकर भी हमें कितना देती है बताइए दस देती है अगर यहाँ बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि दस प्लस छ प्लस दस ये कुल मिलाकर कितने हो गए बताइए छब्बीस तो यहां पर हमारे पास कितने रेंटेगल नज़र आते हैं छब्बीस क्या ये छब्बीस उत्तर सही है आपको मैंने पिछले में खूब सिखाया कि अकेला अकेला अकेले से जो करवा लो करना है और बाद में इनको मर्ज भी करोगे तो मर्ज कर कर क्या होगा जरा देखो अगर मैं यहां बात करूं तो मैं मर्ज करने में कहूंगा आपको कि जो एक और दो है ये दोनों पंक्तियों को अगर मैं मर्ज कर दूं देखो जरा मैंने ब्लू कलर से मर्ज कर दिया तो क्या ये एक आयत का निर्माण नहीं हो रहा बिल्कुल हो रहा है एक और दो को मिलाने से आयत का निर्माण हो रहा है क्या अगर मैं मैं आपसे बात करूं कि यहां पर मैं दो और तीन को मर्च करूं। देखो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया आपको। क्या मैं दो और तीन को मर्च करूं तो क्या आयत का निर्माण नहीं हो रहा बिल्कुल हो रहा है तो मैं बात करूंगा यहां पर मुझे तीन और जोड़ने चाहिए और कुल मिलाकर जो आयत बनेंगे जो टोटल संख्या बैठेगी वो कितनी बैठेगी उन्तीस ट्वेंटी नाइन इज द राइट आंसर तो यहां कैसे हुआ साहब एक दो तीन चार ने मिलाकर बनाए दस एक दो तीन ने मिलाकर बनाया छो तीन चार ने मिलाकर बनाया दस दस प्लस छ प्लस दस कितना हो गया छब्बीस अब इस छब्बीस में क्या हुआ सब केवल पहली रो में जो बने केवल दूसरी में बने और केवल तीसरे में बने वो आ गए अब हमने क्या किया पहली और दूसरी रो को मर्ज कर दिया और इनको मिलाकर के हमने एक और नया बना दिया आयत फिर हमने दूसरी और तीसरी को मर्ज कर दिया और एक आयत बनाया और फिर हमने इन तीनों को मर्ज कर दिया और एक आयत बनाया ऐसे करके तीन आयत और बन पा रहे हैं और आयतों की संख्या बनेगी ट्वेंटी नाइन जरा आगे देखेगा क्रॉस है कि नहीं अगर मैं बात करूं यहां पर कितने आयत बनते हैं स्टूडेंट्स इतनी जल्दी में होते हैं कि हड़बड़ी में उनको लगता है ये कोई सवाल है हमारे करने लायक और मैं आपको बताऊं सेवेंटी एटी परसेंट बच्चा हड़बड़ी में ऐसा नहीं कि उसको आता नहीं है काउंट कर सकता वो पर बड़ हड़बड़ी में गलती कर जाता है तो यहां जरा देखिएगा मैं आपको जो तरीका बताता हूं आप उस तरीके को फॉलो कीजिएगा क्योंकि वही सबसे अच्छा तरीका है आप एक बात को समझिए आपका उत्तर आना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी आपका उत्तर सही आना है क्योंकि उत्तर आने का अर्थ है कि सही उत्तर जरूरी नहीं है अगर उत्तर गलत हुआ तो जो एक नंबर आ रहे थे वो तो आएंगे नहीं बल्कि एक तिहाई नंबर कट और जाएंगे तो खतरनाक काम है इसलिए आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना चाहिए इसका सही तरीका बताता हूं कभी कोई गलती ना हो कैसे होगा जरा देखिएगा अगर मैं यहां बात करूं तो देखो आपको सिर्फ एक ही तरीका अपनाना है जो मैंने आपको ट्रायंगल में खूब सिखाया स्क्वायर में सिखाया आप ये देख लो कि ये जो ब्लॉक्स हैं इनकी गिनती कर लो सिंगल 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 से एक बार गिनती कर लो एक, दो तीन चार और पांच आप देख लीजिए आयत के मामले में आपको सिंगल 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 ब्लॉक लेकर कितने आयत बनते नजर आए पांच बताओ आए कि नहीं आए सिंगल सिंगल को लेकर के पांच नजर आए और इसमें कोई गलती बच्चे करते भी नहीं है गलती कहां करते हैं वो बताता हूं अब सिंगल का मतलब है ये ब्लॉक सिंगल वाला ब्लॉक सिंगल सिंगल ब्लॉक अब मैंने बात की डबल डबल यानी कि इसके आकृति के कोई भी दो हिस्सों को जोड़कर आयत का निर्माण करना कोई भी दो हिस्सों को जोड़ें तो मैं समझता हूं हर बार हर बार ये जो आपके सामने दिख रहा है क्या दिख रहा है ये चार क्योंकि देखो तो दो और पांच तो जुड़ेंगे नहीं और दो और तीन को जोड़ के आप आयत बना नहीं सकते क्योंकि बनाओगे तो ऐसे ही तो दो और पांच नहीं जुड़ने वाले एक और तीन नहीं जुड़ने वाले तो मैं ये समझता हूं कि दो दो को जोड़ूंगा तो ये चार इन सबका मित्र है चौराहे पर खड़ा है बताओ है कि नहीं ये कहां पर खड़ा है चौराहे पर और चारों तरफ की रोड इससे जाती है तो चारों तरफ के लोग इसके साथ कॉम्बिनेशन बना करके आयत का निर्माण कर सकते हैं तो मैं बात करूंगा दो दो के साथ चार आयत का निर्माण होगा चार कैसे होगा जरा देखो क्या ये दो और चार मिलकर आयत बना सकते हैं बताइए बिल्कुल बना सकते हैं क्या ये तीन और चार मिलकर आयत बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं क्या ये एक और चार मिलकर आयत बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं क्या ये चार और पांच मिलकर आयत बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं तो मैंने क्या किया इनके निर्माण के लिए जो चार कॉम्बिनेशन बने वो कौन कौन से बने मैंने एक के साथ किसको लिया चार को मैंने दो के साथ किसको लिया चार को मैंने तीन के साथ भी किसको लिया चार को और मैंने पांच के साथ भी किसको लिया चार को यानी हर बार मुझे इस कॉम्बिनेशन में चार तो मिलना ही चाहिए और चार के मिले बिना बाकी जो चार बच गए उनमें से कोई भी आपस में मिलकर आयत का निर्माण नहीं कर सकता तो सिंगल सिंगल से पांच बने डबल डबल से चार बने और ट्रिपल तीन पार्ट्स को अगर मैं शामिल करूं तो तीन पार्ट्स में तो केवल ये रोड या तो सीधी यूं जाएगी या यूं जाएगी और कोई तरीका नहीं है तो अगर मैं इनकी बात करूं कुछ इस तरह से तो आप देखिए यहां पर सिर्फ क्या कर सकते हम लोग या तो सिर्फ यह लाइन ऊपर से नीचे तक आ सकती है देखो या तो सिर्फ ये लाइन ऊपर से नीचे ऐसे आ सकती है या आयत का निर्माण होगा या फिर ऐसा हो सकता है और कोई तरीका मौजूद नहीं है तो पांच प्लस चार प्लस दो कितने हो गए ग्यारह तो आपको जो आंसर मिलता है उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा यहां पर इस आकृति में कुल मिलाकर ग्यारह आयत मौजूद है और याद रख लीजिए मेरी बात को जब तक आपको कुछ स्पेसिफिक ना कहा जाए यू हैव टू कंसिडर एवरी टाइम इन एवरी रेक्टेबल यू हैव टू कंसिडर द स्क्वायर्स ऑल्सो यानी कि जो वर्ग है उनकी गिनती भी आयत की काउंटिंग में की जाएगी चलिए अगली फिगर की बात करते हैं फिगर नंबर सेवेंटी टू आप जरा ध्यान दीजिएगा जरा देखिए मैं इस फिगर को यहां से तोड़ता हूं अब मुझे एक बात बताइए यह जो इधर वाला हिस्सा है जहां मैंने टिकमाक लगाया क्या इसका हिस्सा कोई भी भी किसी भी तरह से आयत के निर्माण में योगदान दे सकता है बिल्कुल नहीं दे सकता कब दे सकता था कोई भी एक रेखा वो आयत का निर्माण में योगदान दे सकती है जिसके पैरेलल में एक रेखा और नजर आए बोलो है कि नहीं क्या इस लाइन के पैरेलल में कुछ दिखता है हरगिज नहीं इसके पैरल दिखता है हरगिज नहीं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप इस वाले हिस्से को तो छोड़ दो फॉरगेट इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे कुछ नहीं होने वाला अब आप इसकी बात करो तो तरीका क्या था? एक प्लस दो कितना होता है साहब तीन और एक प्लस दो कितना होता है तीन और कैसे निकलेगा आंसर आंसर मैंने कहा रो और कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इनके हाईएस्ट नंबर को जोड़कर दोनों को एक प्लस दो मतलब तीन हाइएस्ट नंबर को नहीं इनको क्या करो जोड़ करके तो मैं बात करूं यहां पर तीन मल्टीप्लाई तीन कितना बनेगा नो और ये भी कुछ प्लस जैसा है छोटे बड़े की छोड़ो क्योंकि वर्ग में छोटे बड़े में नहीं होता ना सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए बट आयत में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो इसलिए कोई छोटा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा ये प्लस कैसा भी बनता हो एक प्लस कितने आपको आयत बनाकर देगा यहां पर कितने बनाकर देगा वो बना के देगा नो बट ये एग्जेक्ट प्लस नहीं है आप ऐसा मत बोलना क्योंकि ये छोटा बड़ा है सारे लोग दो तीन तरह से तोड़ सकता हूं अलग अलग कैसे कैसे तोड़ सकता हूं मैं आपको दिखाता हूं जरा बोर्ड पे देखेगा ये इसका मैंने पहला हिस्सा बना दिया हिस्सा ए ये मैंने दूसरा हिस्सा बना दिया हिस्सा बी और ये मैंने तीसरा हिस्सा बना दिया और ये हिस्सा क्या हो गया बताइए सी ऐसा कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इस एक की बात करूं तो ये एक है ये दो है और आप जानते हो ये मिलकर कितने आयत बनाएंगे बताइए तीन ये हम पहले ही बात कर चुके एक और दो तीन बनाएंगे अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं एक दो तीन तो ये मिलकर कितने आयत बनाएंगे छे ये नहीं हम ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं और यहां पर भी एक और दो मिलकर कितने बनाएंगे बताइए तीन तो मैं बात करूं यहां पर तीन प्लस छ प्लस तीन यानी कि बारह बारह तो आयत अब से पहले बन चुके और बाया बारह बने के लिए मैंने क्या किया ये वाले बने एक दो दोनों को मिलाकर तीन एक दो तीन जोड़ने से छह ये सारा हम कर ही रहे हैं और एक दो तीन अब मेरे को क्या करना पड़ेगा अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें ए बी और सी आपस में मिल जाए क्योंकि ए यहीं पर खत्म हो गया और सी यहां पर चालू होता है तो ए और सी तो मिलकर कुछ नहीं कर सकते तो या तो ए और बी मिलकर कुछ कर सकते हैं या बी और सी मिलकर कर सकते हैं क्या आपको ये जो यहां पर है अगर मैं बात करूं आपसे ध्यान दीजिएगा कि इस जगह पर क्या ये वाला जो पार्ट मैंने जो अभी हाईलाइट किया वो जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है क्या आपको ये आयत नजर आ रहा है क्या ये हमने काउंट किया था बिल्कुल नहीं किया था क्योंकि अब तक हमने जो काउंट किया वो या तो केवल ए से लिया या केवल बी से लिया या केवल सी से लिया अभी और बी से लिया तो एक और मुझे एक्स्ट्रा मिल गया इसी तरह से यहां पर इस देखो ये वाला पार्ट भी मुझे एक एक्स्ट्रा मिल रहा है तो ये भी एक एक्स्ट्रा मिल गया तो मुझे दो एक्स्ट्रा मिलते नजर आ रहे हैं तो यहां पर, कितने 14, तो यहां पर कुल मिलाकर आयतों की संख्या कितनी होनी चाहिए चौदह होनी चाहिए उम्मीद आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा यहां अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो एक बार मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि एक बार के लिए आप इस आकृति को भूल जाओ और जो मैं आपको दिखा रहा हूं आप वो देखो सिर्फ जरा बोर्ड पे देखिएगा सब लोग अगर ये प्लस है तो प्लस के लिए मुझे क्या करना है ये जो लाइन है इसको हटा देनी है इसको हटा देनी, देनी है इसको और इसको हटा देनी है उसको बाद में लगा लेंगे हम दोबारा से एक बार आप सिर्फ इस आकृति को देखिए और मुझे बताइए ये प्लस आपको कितने आयत देता है हमेशा बताइए ये आयत हमेशा देता है नो क्यों देता है नो क्योंकि तो आपको पता है ये एक है ये दो है और ये मिलाकर कितना हुआ तीन ये एक है ये दो है और मिलाकर कितना हुआ तीन और ये नो कैसे आते हैं हमेशा तीन मल्टीप्लाय तीन और ये हमने आज क्लास की शुरुआत में भी इसको सीखा कि यह नो कैसे आता है अब मैं बात करूं कि इसमें हमने बाद में क्या किया हमने इसमें अकेला एक ले लिया दो ले लिया अकेला तीन अकेला चार अगर नंबरिंग दू तो ये पूरा ले लिया एक दो मिलकर लिया ये दो मिलके ये दो मिलके ये दो मिलके सब काम कर लिए अब हमने क्या किया इस आकृति को इस आकृति को हमने इसमें बांट दिया दो हिस्सों में और इस आकृति को भी दो में बांट दिया और इसको ऐसे बांट दिया और इसको ऐसे बांट दिया तो अब जो नए मिले क्या ये मुझे नए नहीं मिल रहे एक दो तीन चार ये पहले कहां थे पूरे पूरे थे पांच छे सात और आठ क्या मुझे ये आठ नए आयत नई नजर आ रहे तो मैं आठ इनमें जोड़ दूंगा और आठ में नौ जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा सत्रह तो यहां पर जो आयत है उनकी संख्या क्या बनेगी सेवनटीन सत्रह क्यों क्योंकि अगर मैं केवल प्लस देखता हूं तो नौ मिलते हैं ये मेरा दस नंबर है ये ग्यारह है, है काउंटिंग मैंने यहां कर ही रखी है ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सत्रह चलिए फिगर नंबर पिछहत्तर हम पिछहत्तर फिगर पर आ चुके हैं आप देखिए चौहत्तर फिगर में आपको अब से पहले करा चुका हूं और मेरा ये मानना है जितना मैंने आपको करा दिया और जो मैं करा रहा हूं इससे बाहर एग्जाम में आ ही नहीं सकता और अगर आया तो वो इतना ही आसान होगा कि इनको जिसने सीख लिया वो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए उसको आसानी से कर सकता है मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं आप पुराना जो सेशन है से उनको अटेंड कीजिए और एक मेरी छोटी सी आपसे दरख्वास्त है आपको अगर जेनविनली वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज सबसे पहले तुरंत इसी वक्त आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि लाइक करने से क्या आता है यूट्यूब को समझ में आता है हमें समझ में आता है और हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ये क्लासेस पूरी तरह से फ्री है और आपको मालूम है इसी चैनल पर नौ बजे मैथ्स की क्लासेस भी आती हैं डेली तो आप जितने ज्यादा लोगों को बताएंगे सबको फायदा मिलेगा अभी कोरोना का टाइम चल रहा है बच्चे कोचिंग में नहीं आ सकते इसीलिए हमने यह अभियान चलाया कि हम सब बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन दें कि पेड कोर्स में भी इतना अच्छा नहीं मिल सकता आपको ये मेरी गारंटी है और फ्री कोर्स में भी आपको वो मिलेगा ताकि आप मैथ्स में तीस में से तीस और रीजनिंग में तीस में से तीस सपना नहीं देख सकते ला सकते हैं हकीकत में और आप जैसे कर रहे हैं आप पुराने सेशंस देख लो आगे तक चलेंगे पूरा प्लान बना हुआ है सिक्सटी डेज मैथ्स का फिफ्टी फाइव डेज रीजनिंग का पूरा डेली सारे वीडियोस हैं आप चैनल पे देखिएगा आपको सब पता लग जाएगा अब जरा इधर देखो यहां मैं अगर आपसे काउंटिंग करूं तो जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि फिगर्स को तोड़कर करना आसान होता है यहां तोड़े जरा तो आप देखो सबसे पहले तो मैं ऐसा समझता हूं कि आपको यह वाली फिगर नजर आ रही होगी देखो ध्यान से देखिएगा मैं जो कह रहा हूं क्या आपको यह प्लस नजर आ रहा है बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा टेलमी अगर इस प्लस की मैं बात करूं तो ये प्लस अकेला प्लस आपको कितने कितने आयत देता है तो ये हमने आज में ही दो बार इससे पहले देख लिया इससे पिछले क्वेश्चन में भी आपको दिखाया था कि अकेला प्लस मुझे कितने देता है बताइए नो कितने आयत देता है नो नो आयत ये मुझे देता है अब नो आयत देने में क्या है ये आपको है एक दो तीन चार सबको मिलाकर दो दो, दो, दो ये कितनी बार हम डिस्कस कर चुके अब वैसे देखा जाए तो इस प्लस के बीच में मिड वाले मिलाकर भी एक आयत मिल रहा है तो या तो मैं अभी काउंट कर लूं या अभी नहीं मैं बाद में इनके साथ काउंट कर लूं एक की बात है डबल काउंट मत कर लेना बस अब यह तो प्लस की बात हो गई अब मैं आपको बताता हूं सिंगल सिंगल केवल सिंगल सिंगल ब्लॉक लेकर के ब्लॉक्स जो बच गए उनकी काउंटिंग में कर देता हूं नंबरिंग डाल के एक एक नंबर कहां से कहां तक हुआ साहब ये एक नंबर यहां से यहां हुआ देखो आप क्योंकि आयत तो बनाऊंगा ना मैं तो ये क्या है बताइए ये नंबर दो हो गया ये क्या है नंबर तीन हो गया ये क्या है नंबर चार हो गया और ये वाला अगर मैं बना दूं बीच वाला तो ये नंबर पांच हो गया एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पूरा यहां तक और ये पांच नंबर अब अगर मैं सिंगल सिंगल को लेता हूं तो मुझे पांच आयत नजर आ रहे हैं क्योंकि मैंने अभी मिलाने वाले थे, ये शामिल नहीं किया था और दो, दो के चार बनेंगे तो नो बने थे ये मिडिल वाला मैंने नहीं लिया जिसको मैंने पांच नंबर दिया अब सिंगल सिंगल में सिंगल एक सिंगल दो सिंगल तीन सिंगल चार और सिंगल पांच ये पांच बन गए अब डबल के लिए इससे पिछला प्रश्न आप याद करो डबल की बात करूंगा मैं तो ये जो एक और तीन है ये तो मिल ही नहीं सकते चार और दो तो मिल ही नहीं सकते तो कौन मिलेगा पांच तो पांच एक से मिलेगा दो से मिलेगा तीन से मिलेगा और चार से मिलेगा तो डबल वाले कितने बना सकता कितने बना सकता सकता हूं हूं मैं चार 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 कितने कैसे बना सकता हूं क्योंकि एक और पांच बन सकता है इसके अगर मैं एक्सप्लेनेशन दू तो क्या करूंगा बताओ एक किससे मिला सकता है पांच से और ऐसे ही दो किससे मिल सकता है पांच से तीन किससे मिल सकता है पांच से और चार किससे मिल सकता है पांच से ऐसे मिलकर के डबल डबल वाले चार बन सकते हैं अगर ट्रिपल वाले करूं तो, तो ट्रिपल वाले वाले काउंट तो, तो तो सिर्फ ये दो रेखा ही रेखाएं तो रेखा तो रेखा, रेखा। तो ही रेखा ही हो सकती है तो दो रेखाओं की बात करें तो दो ये बन गए तो प्लस पांच चौदह प्लस चार अठारह प्लस दो बीस तो यहां पर आपको कुल आयत कितने बनते नजर आए कुल मिलाकर के बीस पांच से दस मिनट का सेशन हो रहे, आप ही के लिए है इसलिए आप थोड़ा बने रहें ताकि आपको हर चीज सीखने को मिले और कुछ मिस ना हो देखो मैंने कैसे बताया ये ये बीच वाले तो मिलकर ये जो प्लस है वो तो बनाते हैं नो अकेले अकेले मिलकर बात करें तो पांच बन गए चारों तरफ चार और एक बीच में फिर डबल डबल की बात करें तो ये पांच चारों से एक एक बार मिलकर बनाएंगे चार फिर ट्रिपल की बात करें तो सीधी दो लाइनें बनेंगे और बनेंगे दो इन सबको जोड़ लीजिएगा चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग फिगर नंबर ध्यान दीजिएगा सभी लोग यहां पर आपको काउंटिंग काउंटिंग में क्या दिख रहे हैं सर्कल्स की काउंटिंग करनी है मैं आपको बता रहा हूं कि ज्यादातर एग्जाम्स में सर्कल काउंटिंग के लिए नहीं आते मैं मानता हूं नहीं आते लेकिन कभी कभी आ भी जाते हैं पांच मिनट लगेंगे केवल अगर गलती से आ गए तो फिर आप ऐसा बोलोगे कि सर ने यह तो कराया नहीं मेरे को और कहा था तीस में से तीस आएंगे तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता मिनट लगेंगे जरा समझिए सर्कल को कैसे काउंट करते हैं आपको कैसे काउंट करना है बाहर से से अंदर की तरफ और जरा तो तो हा हाँ, बिल्कुल है देखो मैंने हाईलाइट किया दो नंबर को अगर मैं तीन नंबर की बात करूं तो क्या ये तीन नंबर सर्कल है बिल्कुल है क्या ये चार नंबर के जरा देखो सिंगल सिंगल जो आउटर में है उनको मैं सर्कल यानी कि सर्कल को सर्कल करता जा रहा हूं येलो कलर में और ये छठा नंबर का मैं बात करूंगा तो ये ऐसा मिलेगा हमारे को ध्यान दीजिएगा सभी लोग आपको अभी इस येलो कलर में कितने सर्कल नजर आ रहे हैं छह सर्कल नजर आ रहे हैं अब अगर मैं बात करूं यहां पर तो देखिए अब हम बात करें तो इनमें से हर दो सर्कल में से एक मिलकर के सर्कल बनता नजर आता है तो जरा देखना कैसे बनता है आप सब लोग एक बार बनता हुआ देखिए यहां पर मैं बात करूं आपसे कि सपोज कि ये जो कलर है हम इसका कलर चेंज कर देते हैं ध्यान दीजिएगा सभी लोग ये जो कलर इस बार दिख रहा है आपको ब्लू कलर क्या ये सर्कल ऐसा सर्कल तो नहीं है जो पहले भी आ चुका अगर ये ऐसा सर्कल है जो पहले आ चुका तो सिर्फ ये जो देखो ये जो पहला सर्कल है अगर ये पूरा की पूरा कहीं कॉपी होता तो फिर जो एक नंबर मैंने लिखा ये भी तो कॉपी होना चाहिए था ऐसा तो नहीं हुआ तो ये जो सर्कल मैंने बनाया है ये यूनिक है यानी ये पहले नहीं आया क्योंकि ये सिर्फ एक है सिर्फ दो है सिर्फ तीन सिर्फ चार सिर्फ पांच और सिर्फ छह जबकि इस सर्कल में अगर मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट नहीं आ रहा अच्छा चलो और जरा देखें इसके आगे तो क्या इससे मिलता हुआ जस्ट देखो इसके सटकर क्योंकि ये तो इधर है और आगे बात करूं तो क्या ये वाला सर्कल देखो आप सिमेट्री मत छोड़िए सिमेट्री मतलब ये जो चल रहा है सर्कल तो इसी गोले पे रखिए इसको बिल्कुल अंदर मत जाइए और ये बाहर तो बाहर वाले में देखिए अगर मैं यहां बात करूं तो जरा देखिएगा ध्यान से क्या ये यूनिक सर्कल है जो पहले कभी नहीं आया बिल्कुल नहीं आया साहब अगर पहले वाला पूरा की पूरा कॉपी कहीं हो जाता तो नंबरिंग भी तो कॉपी होनी चाहिए थी एक नंबर दो नंबर तीन नंबर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा आगे देखते हैं तो ये एक मुझे और मिला तो मैं इसको नंबर डाल सकता हूं सात नंबर ये मुझे एक और मिला इसको नंबर डाल सकता हूं आठ नंबर अब जरा ध्यान दीजिएगा ये सात नंबर इसमें डाला है लेकिन ये इसके साथ है उसके साथ नहीं और ये आठ नंबर इसके साथ है ऊपर वाले के साथ नहीं

तो ये सर्कल नंबर क्या बताइए ग्यारह नंबर सर्कल है तो आपको ग्यारह सर्कल मिल चुके हैं और अब आप बिल्कुल सेंटर वाला देख लीजिए बिल्कुल बीचो बीच एक सर्कल और मिलता है और यहां पर कुल मिलाकर कितने सर्कल्स मिलेंगे बताइए इज द राइट आंसर अब जरा देखिए मैं दूसरे एंगल से आपको सिखाता हूं ये एक नंबर एक है दो तीन चार पांच और छे अब हम सिर्फ एक लाइनिंग बनाते हैं किसी भी जगह पर कि लाइनिंग बना करके देखो जहां पर मैंने

छह मुझे बाहर दिख रहे हैं और एक सर्कल मुझे बीचों बीच में नजर आ रहा है तो यहां पर टोटल छ प्लस पांच प्लस, प्लस एक कितने सर्कल है बारह इसको अच्छे से समझने के लिए जरा देखो एक बार ये सर्कल आपको दिख रहा है वही चीज है और एग्जाम में इस तरह से आएगी बट आपको अच्छे से समझ में आ सके इसलिए ऐसा बनाया गया एक बार कलर में देखिए केवल येलो कलर देखेंगे आप तो एक दो तीन चार पांच और स्पष्ट रूप से छह नजर आ रहे हैं और ब्लू कलर देखू तो जरा देखो क्या ये एक नजर आया क्या ये दूसरा नजर आया क्या ये तीसरा नजर आया और क्या ये चौथा नजर आया और क्या ये पांचवा नजर आया जरा देखो जहां मैंने मार्का बनाया ये केवल एक ये केवल एक ये केवल एक, ये केवल केवल एक एक और ये केवल एक तो एक एक करके कितने नजर आए पांच और मैं बात करूं बिल्कुल सेंटर में तो आप जरा देखिएगा ये वाला जो एक है ये इन पांचों में ही नहीं है जो मैंने टिक मार्क लगाया है टिक मार्क तो मैंने बाहर लगाया है एक यहां पर बना तो ऐसे छ प्लस पांच प्लस एक बारह बनते हैं जरा तरह देखिए आसान सा प्रश्न होता है बट कभी कभी आते हैं एग्जाम में जरा देखिए आप क्या करना है आपको कोई भी एक को बेस बना देना जैसे ये ये बेस बेस बना दिया मैंने मैंने तो अब ये जो बेस बनाया उससे मैं सर्कल में इधर घूम जाता हूं और काउंटिंग करता जाता हूं तो देखो ये काउंटिंग एक चूंकि मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं वरना आपको क्या करना है दो तीन चार पांच छ सात आठ नो दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस तो ये जो बाहर वाले आउटर है सिंगल सिंगल जो बाहर वाले आउटर है वो आपको कितने सर्कल नजर आए बताइए इक्कीस ट्वेंटी वन आप देखिए ये एक है दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और इक्कीस ये इक्कीस बनते हैं इक्कीस के बाद में अगर बात करूं अब मुझे यहां पर चार सर्कल और नजर आ रहे कितने नजर आ रहे हैं? चार कैसे एक तो देखो इन्हीं सबके बीच में से निकल रहा है एक एक ये निकल रहा है मेरे पास ये वाला सर्कल बताइए निकल रहा है कि नहीं निकल रहा एक ये वाला सर्कल निकल रहा है और एक ये वाला सर्कल निकल रहा है तो मैं बात करूंगा ये मेरे पास में एक मिला एक ये मिला एक ये मिला एक मिला कितने सर्कल और मिल में जाइए चार सर्कल और मिल रहे हैं तो यहां पर कुल मिलाकर जो व्रत है उनकी संख्या कितनी है पच्चीस इक्कीस मुझे मिले अकेले अकेले एक मुझे मिला सबसे बड़ा एक इसके अंदर एक इसके अंदर और एक इसके अंदर अगर मैं बात करूं इनको आप दो काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने आप में एक सर्कल है ये भी अपने आप में एक सर्कल है तो यहां पर कुल मिलाकर के 25 सर्कल बनते नजर आते हैं इतना सब कुछ आपने सीखा अब हम बात करते हैं आखिरी के पांच मिनट दो चीजें मैं आपको और सिखाता हूं कई बार स्ट्रेट लाइन की बात आती है तो बस एक एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं पांच मिनट के अंदर और कभी कभी चतुर्भुज पूछ लेता है तो जरा देखो आपको क्या करना है कुछ नहीं काउंटिंग करनी है क्योंकि आप समझते हो कि अगर ये मैं थोड़ा सा इसको वर्टिकल घुमा तो हाँ या ना इधर देखो सेम रूल अप्लाई करो काउंटिंग कीजिए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर यह कितना बना बताइए दस और वन प्लस टू कितना होगा बताइए तीन तो हमने जैसे आयत में किया था सेम ऐसे कैसे करेंगे दस को मल्टीप्लाई किससे करें बताओ तीस तीन से तो क्या मिलेगा तीस और यह मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको बस सिर्फ यह बोलने वाली बात है कि वहां पर वो आयत की बात हो रही थी ये आयत तो नहीं बल्कि क्या बताइए चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल है तो कोई दिक्कत नहीं है इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं आज के आखिरी के दो प्रश्न लेना चाहेंगे जरा देखिए क्या लिखा है आपको स्ट्रेट लाइंस गिननी है स्ट्रेट लाइंस तो स्ट्रेट लाइंस को गिनने में मैं आपको एक बात बताता हूं आपसे कभी गलती नहीं होगी गिन तो आप भी सकते हैं बट एक तरीका अपनाइएगा क्योंकि जो भी आंसर आता है उससे एक ज्यादा और एक कम ऑप्शन में अक्सर मिलता है ये इसमें लिखे हुए जरा देखिए जनरली अभी तक मैंने जो पैटर्न लिए तो मैंने सारे फिगर्स बिना ऑप्शन के लिए थे ध्यान देना सारे के सारे लोग अटेंशन दीजिएगा इसमें कैसे गिनना है हमारे को तो आपको क्या करना है आपको तीन स्टेप्स में काम करना है कितने स्टेप्स में तीन स्टेप्स में पहली ये सिर्फ लिखने के लिए है पहली क्या है जो भी होरिजेंटल है क्या है बताइए होरीजेंटल अगर मैं बात करूं होरिजेंटल की बात करूंगा तो होरिजेंटल जितनी भी लाइंस है उनको लेंगे आप अगर मैं बात करूं कि होरिजेंटल जितनी भी लाइंस है पहले उनको होरिजेंटल कैसे होता है क्षतिजो रो की तरह से फिर आप क्या करेंगे सेकंड पार्ट में क्या करेंगे वर्टिकल फिर आप क्या करेंगे वर्टिकल तो वर्टिकल कैसे होता है कॉलम जैसा तो पहले आप क्या करेंगे जितनी भी स्ट्रेट लाइंस कैसे दिख रही हैं आपको बिल्कुल छत के साथ साथ बिल्कुल शिज बिल्कुल रो की तरह उनको काउंट करेंगे फिर आप क्या करेंगे वर्टिकल सीधी बिल्कुल पर्पर बात करें उनको काउंट करेंगे और फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे आप, आप तीसरे स्टेप में क्या करेंगे जो भी बच गई जो भी रिमेनिंग है जो भी बची हुई है उसको काउंट करेंगे होरिजेंटल मैंने आपको बताया होरिजेंटल मतलब क्या रो की तरह जो दिखता है वर्टिकल मतलब क्या बताइए कॉलम की तरह जो दिखता है और मैं बात करूं ये जो बच गई वो कैसे कैसे होंगे जरा देखिए मेरे साथ चलिएगा काउंटिंग कीजिए हो सीधी रेखा चाहिए मेरे को स्ट्रेट लाइन मुड़नी नहीं चाहिए दो रेखाएं मिलानी चाहिए स्ट्रेट लाइन चाहिए तो देखो मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहली बात क्या ये एक लाइन और ये एक और लाइन क्या आपको होरिजेंटल दो लाइनें दिख रही हैं बताइए हाँ या ना होरिजेंटल कितनी लाइनें दिख रही हैं आपको दो लाइनें दिख रही हैं सिर्फ दो और कोई होरिजेंटल लाइन मुझे तो नहीं दिख रही तो ये मेरे को मिल गया दो अब मैं क्या बात करूं वर्टिकल अगर मैं वर्टिकल की बात करता हूं तो वर्टिकल मुझे लाइन कैसे मिल रही है जरा देखिए ध्यान से ये मिल मुझे एक, और ये मिल मिल गई गई मुझे मुझे और एक एक, कितनी मिल गई बताइए दो तो वर्टिकल मेरे को सिर्फ कितनी मिल पा रही है दो तो होरिजेंटल भी दो वर्टिकल भी दो अब जो बच गई उनकी बात करते हैं तो जो बच गई उनकी अगर मैं बात करूं तो जरा देखिएगा अब बच गई तो मुझे इस तरह से दिख रही है कुछ शेप में और इस तरह से भी दोनों जल्दी तीन क्या यह स्ट्रेट लाइन है चार क्या यह स्ट्रेट लाइन है पांच कभी सिमेट्री को मत छोड़िए पैटर्न फॉलो किया तो आगे तक पैटर्न फॉलो कीजिएगा एक भी लाइन कमाई तो गलती हो जाएगी तो एक दो तीन चार पांच बिल्कुल पांच मिल गई इसी तरह से मैं यहां बात करूंगा, तो क्या यह लाइन को मिली कलर चेंज करते हैं अगर मैं बात करूं यहां पर, तो क्या ये आपको आठ तो आठ लाइन आपको एक्स्ट्रा मिल पा रही है तो यह मिलकर तो मिल टोटल कितनी होगी बारह लाइन ऑप्शन नंबर बी आंसर होना चाहिए तो यह किसी एग्जाम में प्रश्न है एग्जाम्स में स्ट्रेट लाइन कम पूछी जाती है क्योंकि बहुत ही सरल होता है बट कभी कभी क्या होता है पूछ लिया बहुत ईजी है बट आपको निकालना नहीं आता तो आप इसमें गलती भी कर सकते हैं तो मैंने आपको क्या कहा तरीका कैसे बताया पहले आप क्या करेंगे इनको होरिजेंटल काउंट करेंगे सीधी रेखाएं आपको शैतीस जो नजर आती है वो गिन लो तो एक और एक दो मिली फिर आप देखो कॉलम के हिसाब से एक और एक दो मिली फिर मैंने कहा बाकी काउंट करो जो बच गई तो बाकी बच गई एक ब्लू कलर में देखो एक दो तीन चार पांच फिर ग्रीन में देखो छह सात आठ ये आठ मिल गई तो टोटल मिलाकर बारह लाइने मुझे नजर आती है और अब आज का आखिरी प्रश्न देखेगा इस चित्र में कितनी सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस कितनी है कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा एवरीबडी तो मैंने पहला स्टेप पहला स्टेप आपको क्या सिखाया बताइए मैंने कहा कि आप क्या करेंगे बताइए होरिजेंटल अगर मैं बात करूं होरिजेंटल की बात करूं तो हो आप काउंट करेंगे और होरिजेंटल कैसे काउंट करते हैं बताओ आपको खुद को एक बार करके देखना चाहिए कैसे निकलेगा और तीसरा जो शेष है होरिजेंटल वर्टिकल और शेष तीनों को काउंट करेंगे पहले होरिजेंटल देखो सीधी लाइन लाइन क्या क्या ये एक क्या ये एक हुई यस दूसरी हुई बिल्कुल बिल्कुल क्या क्या ये तीसरी हुई बिल्कुल। क्या और कोई चौथी लाइन मिल रही है जो आपको होरिजेंटली रो की तरह से सीधी दिखती है टेढ़ी बाढ़ी मत काउंट करेंगे सीधी रेखा बिल्कुल नहीं दिख रही नहीं दिख रही तो ये संख्या कितनी हो गई बताइए ये संख्या हो गई आपकी तीन कितनी हो गई तीन ताकि क्या होता है आप एक साथ सारी साइड लेते ना काउंटिंग में तो निश्चित रूप से कोई ना कोई गलती होने की संभावना रहती ही रहती है अब देखो केवल वर्टिकल तो मेरे साथ चलिए वर्टिकल अगर बात करूं तो ये एक बताइए हां अब मुझे सिर्फ वर्टिकल ढूंढनी है क्या ये मिली मुझे दो यस और नो आगे देखो क्या मुझे मिली तीन यस क्या सीधी रेखा और कोई दिख रही है नहीं दिख रही मुझे तो एक मिली मुझे वर्टिकल दूसरी मिली और मुझे तीसरी मिली केवल तीन ही मिल पा रही है

दो के साथ जरा देखो ये रेखा दिख रही है आपको हा तीन तीन तो फिर इसके साथ वाली भी ले लो सिमेट्री में कितनी चार क्या आपको ये रेखा दिख रही है ये? छे. छे के ये रेखा छोड़ दी क्या बिल्कुल नहीं ये एक है ये दो है ये तीन ये चार ये पांच ये छे तो कुल मिलाकर छ रेखाएं और है मेरे पास छ कितना हो गया बताइए बारह ऑप्शन नंबर बी आंसर दीजिएगा तो यहां पर आपको स्ट्रेट लाइंस कितनी मिल रही हैं बारह अस्सी फिगर्स हमने कर लिए हैं मैं उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा आप अधिकतम लोगों में इसको शेयर कीजिए अभी की अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच